सो so, हाइस hey कैसे हो आप लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे देखो सुबह उठते ही मेरे साथ क्या होता है मेरे को सॉक्स नहीं मिलते हैं मैंने एक ढूंढा फिर मुझे पता था दूसरा पक्का बैठ के नीचे होगा वो मिल गया रात को पता नहीं कब उतर जाते हैं पैर से और वो कब बैठ के नीचे डले जाते हैं तो आज मेरी आँख खुल गई थी अभी देखो चार बजने वाले हैं थोड़ा सा लेट था मुझे रहता साढ़े तीन तक मैं उठ जाऊँ बट चलो इट्स ओके तो मॉर्निंग एक्टिविटीज़ तो देखते हैं आज कैसी रहती है पहले तो मेरे पैर में चोट लग गई फिर मैं सोचा जल्दी से चाय बना लूँ क्योंकि चाय के बिना आप सभी को पता ही है मेरी आँखें नहीं खुलती है एंड मैंने रखा चाय बनने सर्दियाँ बहुत ज्यादा हो रही है वैसे मैंने कोकोनट वाटर रखा था बट कौन कोको को, कौन इतना हेल्दी बनेगा मेरे को तो चाय चाहिए सुबह फिर मैंने ब्रश वगैरह करके थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली अपने किचन में ही और अदरक के बिना तो चाय अधूरी है इन सर्दियों में सो so आज हम बात करेंगे अपनी पूरी वीकली रूटीन क्या रहने वाला है कौन कौन से सब्जेक्ट करने करने हैं हैं कैसे कैसे करने है, वेट आई एम गोइंग टू शो यू मैं नींबू भी काट के रखे थे नींबू पानी पी लू सुबह बट नहीं मेरे को तो चाय ही पीनी है चलो दोस्तों तो अपनी चाय हो गई है रेडी अब मैंने सोचा कुछ खाने का भी देख लू पर मुझे मिला ही नहीं रात मैंने जहां से पढ़ाई बंद की थी एक बार वहीं से देख लेते हैं मेरा एनालिसिस चल रहा था टेस्ट एनालिसिस तो इसमें था कि इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में तो मैंने

कुछ करने में मेरे को तीन घंटे लग गए एंड मेरी दिमाग बिल्कुल हिल चुका है लिटरली हिल गया मेरा दिमाग तो अभी कुछ खाते हैं मेरे को भूख लग रही है मेरे को बनाना है पोहा बस एक पोहा ही है जो इन दिनों मेरी मदद करता है एंड आई लाइक पोहा एंड अगर आप भी मेरे साथ वीकली प्लान को ज्वाइन करना चाहते हैं कौन कौन से टॉपिक करने हैं कैसे कैसे करने हैं वेट आई विल शो यू एंड आप मुझे कॉमेंट कर देना कि येस यू आर ऑल्सो डूइंग तो हम फिर बीच में एक वीडियो डालेंगे अपनी प्रोग्रेस ट्रैकिंग को लेकर ठीक है तो जो भी कर रहे हैं मेरे को कॉमेंट कर देना एंड उसी तरीके से फिर अपने सारे जो है टारगेट सॉल्व करेंगे मैडम को देखो अलग से नमक डाल के खा रही है मैंने अपने पहले ही निकाल लिए हैं तो अपने वीकली प्लान में मैंने इंक्लूड किया है पॉलिटी को पूरी पॉलिटी आपकी कवर हो जाएगी चैप्टर पढ़ के टेस्ट कहाँ से लगाने और कैसे आर्स मेंटेन करने हैं उसमें ये ऐप हेल्प करेगी पढ़ाई करने के बाद जब मॉक टेस्ट लगाने की बारी आती है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने की बारी आती है तो हमें ऑथेंटिक मॉक टेस्ट मिल ही नहीं पाते बट अब और नहीं पर आपको मिलेंगे ऑथेंटिक मॉक टेस्ट जो की है। स्टेट के एग्जाम्स या सेंट्रल किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट हम दे सकते हैं जिसमें सेवेंटी से भी ज्यादा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल है जैसे अभी जो जो भी एग्जाम आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बिहार विधानसभा सचिवालय के केरला पीसीएस का झारखंड जे एस 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 सी का एस एस सी जी डी और यूपी पी एस सी का तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम बजट में मॉक टेस्ट मिल जाते हैं किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर बहुत ज्यादा होता है वो काफी में दिया होता है एंड लॉग इन करने पर आपको एक साइन बोनस मिलेगा टेन रुपीज का जिसके थ्रू आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं एंड यस जो भी आप टेस्ट देखोगे या टेस्ट दो ए आई ड्रिवन होंगे और एड की कोई चांसेस नहीं है कि आपको एड देखने को मिलेंगे इसके अलावा आप इनको शेयर करके रेफर अर्निंग कर सकते हैं अपने मॉक टेस्ट

स ग्राफ भी यहाँ पर है क्योंकि हम स्ट्रेंथ देखते हैं तो उसके साथ साथ वीकनेस का भी पता होना काफी ज्यादा जरूरी है तो, तो आपके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है उसी को आप यूज करना उसी से आपको टेन रुपीज का बोनस मिल जाएगा फिर आगे आप रेफर एंड करके कितने भी रुपीज उसमें एड कर सकते हैं अपने टेस्ट दे सकते हैं और अपने डेली टारगेट भी सेट कर सकते हैं एप्लीकेशन के साथ मेंटेन कीजिए अपने स्टडी आर्स विद प्रॉपर चार्ट एंड ऑलरेडी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत पे नहीं रुकना है तो मैंने लिए एनसीआर मैंने कर लिया तो हमें सिर्फ क्विक रिजन देना है इसका एंड हम सीआर को नेक्स्ट राउंड में जब करेंगे तो हम टू या थ्री डेज

जो है टारगेट्स पर वर्क तो मैंने जल्दी से पढ़ना स्टार्ट किया ऑल ऑल्दो मेरे में हाईलाइट हो रखे थे तो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही थी कि कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के भी समझ जाओगे एंड हर एक चैप्टर के बाद आपको टेस्ट देना है ये मैंडेटरी है ये नहीं मिस करना है बस तो उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए जॉइन वाटर ये क्या है कि चाय हटाने में एलिमिनेट करने में मेरी हेल्प कर रहा है अभी कुछ दिनों से एंड सुबह मैंने उठ के चाय ऑलरेडी पी ली थी तो मैंने सोचा अब क्या ही चाय पीनी है तो उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट कर दिया टेस्ट देना क्योंकि टेस्ट नहीं छोड़ना है आप कुछ भी छोड़ दो टेस्ट नहीं छोड़ना है मेरे को तो टेस्ट छोड़ना नहीं था तो मैंने बैठ के दिया उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं इसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल है तो आई थिंक चार चैप्टर हमारे चार टॉपिक करने हैं तो आप पहले टॉपिक करो एक फिर उसके बाद उसका टेस्ट दो आप बीच में पंद्रह मिनट का ब्रेक लेने लेना जब आप टेस्ट दे दो तो एक आधे का ब्रेक के बाद दूसरा अपना टॉपिक स्टार्ट कर देना ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं एंड जो आप कर रहे हो वो मत छोड़ देना आई फिर एक बाहर से आंटी की आवाज आई वो कुछ लेने आई थी तो मैंने देखा वो बहुत दूर जा चुकी थी तो नहीं दे पाए फिर मैंने नानी के लिए एक ब्रेक लिया नानी के बाद इतनी जोर से ठंड लग रही थी एंड मेरे को मीन्स का भी करना था फिर मैंने सारी चीजें देखी कौन कौन से टॉपिक रह गए थे उसके बाद बैठ के किया अपनी मेन्स की जो भी मुझे करना था वो चार पाँच दिन से ये वाला टॉपिक पेंडिंग था मुझे ये करना था बट नेशनल पार्क और जियोग्रफी के चलते टाइम नहीं मिल पा रहा तो मैंने सोचा आज ही कर देता है इसको फिनिश अभी मैंने तीन कर लिए अपने पॉलिटी की एक लास्ट वाला रह गया है और अभी साढ़े तीन बज रहे हैं तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं एंड इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक है जो नहीं किए थे वो करने थे आ, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी वो मेरी हो गई थी उसका रिविजन करना था पहले एंड उसके जो भी आंसर्स पूछे जा रहे थे वो आंसर राइटिंग करनी थी हो पा रही है या नहीं तो आई होप आपने आज के जितने भी टॉपिक्स हैं वो कर लिए होंगे कल के टॉपिक हमें कौन कौन से करने हैं वो आपको मेरे चैनल मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर लेना कल आई विल शिखा मुझे बाहर बुलाती है उसने कुछ सामान मंगाया था वगैरह टाइम देख लो अभी बज रहे है और यो कितना नौ रुपए का बता रही है किस किस हिसाब से तुमने गन्ना मंगाया पहले ये बता जीप चटोरी जीप के हिसाब गाइज हाउ कैन समन बी सो रिच की वो इतना महंगा गन्ना खरीद रहा है वो भी एक ये तो पूरा नहीं है एक दो और तीन मालिक मम्मा आप कर दो ना पता मैंने गंदे लगाए जी ये देखो गाइज अब चलो आई गया तो इसको रख देते हैं साइड में जब धूप निकलेगी हम खा लेंगे तो रात को डिनर में मैंने खाए बीट रूट के पराठे अभी मेरे को एक टॉपिक रह गया वो भी करना है तो आज आपके घर में क्या बनाया है डिनर में मुझे कॉमेंट करके बताना और इनको बनाने में मेरा थोड़ा भी योगदान नहीं है बस पोहा बनाने में मेरा योगदान होता है और पराठे के साथ हरी चटनी भी है तो मज़ा आ गया अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नहीं नहीं दो मिनट और रुक जाओ ओट्स की रेसिपी भी देखते जाओ आप स्टूडेंट लाइफ में क्या खा सकते हो सुबह उठ के वो भी हेल्दी ऑप्शन तो हम बनाने जा रहे हैं ओट्स की क्विक रेसिपी ये है ओट्स ओट्स लेना आपको हनी ले सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं मतलब इनका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है एंड मैंने साथ में सीड्स लिए हैं तो इसको डालो अपनी डाइट के अकॉर्डिंग मैंने तो भर भर के डाल हैं फिर सीड्स डाल देते हैं इसमें और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है ऑप्शन तो आप इसको ले सकते हैं एंड हम डालेंगे यहाँ पर हनी एंड मिल्क और इसको फिर रख देंगे फ्रिज में और ये सुबह को खा लेंगे अब ये देखो मेरा रात को डर से बचने का जुगाड़ सुबह तीन बजे उठना पड़ता ना तो अंधेरा अंधेरा रहता है मेरे को लगता है बहुत ज़ोर से डर तो एक छोटा सा पाँच रुपये का बल्ब ले रखा है इसको अडेप्टर में लगा के इसको लाइट ऑन करके हम जाते हैं सो ये डिस्टर्ब भी नहीं करता है एंड बस आराम से सुबह उठो तो लाइट जली रहती है बिल्कुल डर नहीं लगता मेरे को बहुत डर लगता है इसलिए मुझे ये लगाना पड़ा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में बाय बाय